मेरे वालों सारिया नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल घर दी कंटीन विच। अज इहदे विच आपां मूंगी मसरां दी दाल दी रैसिपी लैके आए हैं। वीडियो शुरू करन तों पहलां मैं तुहानूं सारिया नूं इह कहांगी कि मेरे चैनल नूं तुसीं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं जरूर दबाना तां कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहलां पहुँच जाए ते मेरी वीडियो नूं वध तों वध लाइक करना ते शेयर भी करना। चलो फिर आपां शुरू करदे हां मूंगी मसरां दी दाल दी रैसिपी कि इहनूं किवें बणाईदा है। मूंगी मसरां दी दाल नूं अलग अलग जगह ते आपो अपने तरीके नाल बनाया जांदा है ते मैं इहनूं अज अपने तरीके नाल ही बनावांगी। ते इह साडे कोल इक कौली मूंगी मसरां दी दाल है। मूंगी मसरां दी दाल सेहत लई बहुत ही वधिया हुंदी है ते इक इह जल्दी भी बन जांदी है। जदों कितें साडा मन नहीं करदा कोई सब्जी बनाउण नूं, ज़्यादा टाइम लगदा किसी भी सब्जी नूं, फिर फटाफट साडे कोल बड़ा ईजी तरीका है कि आपां फटाफट ही मूंगी मसरां दी दाल बना लईए। इह दाल साडी सेहत लई बहुत वधिया वा, बच्चियां वास्ते, बजुर्गां लई, सारियां वास्ते बड़ी फायदेमंद है ते इहनूं वधिया तरीके नाल बनाया जांदा है। जल्दी हजम हो जांदी है। इहनूं 3-4 वारी धोणा है जदों तक साफ पानी नहीं आउंदा। हुण दाल बिल्कुल साफ हो गई है। यह देखो पानी इहदा बिल्कुल ही साफ हो गया। हुण इह सारा पानी कढ देवांगे। गैस ऑन कर लिया है। हुण असीं दाल नूं उपर रखांगे। इहदे विच मैं एक गड़बी पानी दी पावांगे ते थोड़ी देर इहनूं इस तरह ही रहन देवांगी। इहदे विच कोई भी अजे मैं हल्दी नमक कुछ नहीं पाउणा। थोड़ी इहदे उपर वाइट वाइट जो झग टाइप हुंदा है ना उहनूं उतार के फिर सारा समान पाउणा। इहदे विच पानी थोड़ा घट लग रहा है, मैं थोड़ा पानी होर पा दाँगी। हुण असीं इहनूं ढक देवांगे। तद तक आपां इहदे तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के वास्ते मैं एक वड्डा प्याज लिया है, 2 टमाटर, 1 लसन की गठी, थोड़ा अदरक ते हरा लसन, क्योंकि ये सीजनली आ, सर्दियों में ही मिलना, गर्मियों नहीं मिलता। तो फिर मैं इहदी खूब वरतों करती हाँ, मैनूं बहुत पसंद है। तो नाल ही मैं ना हरी मेथी भी पानी सी, पर इस टाइम तो मेरे को हरी मेथी नहीं है, उहदी जगह मैं सुकी मेथी पा लाँगी। पानी साडा उबलना शुरू हो गया ते हुण इह प्याज जिहड़ी वाइट वाला जो पार्ट है ना झग, उहनूं उतार लो। थोड़ी जी हल्दी, 1 चमचा कुटियां हुईयां हरिया मिर्चां ते 1 चमचा देसी घ्यो। देसी घ्यो दा दाल विच अपना वक्खरा ही स्वाद है। इहनूं पाउण नाल दाल बहुत ही स्वाद बनदी है। इहदे नाल थोड़ियां जिहियां साबुत 3-4 लसन दियां कलियां पावांगे। देसी घ्यो ते लसन दियां कलियां जदों दाल विच पकदियां ने इहदा अलग ही स्वाद आउंदा है। 5-7 मिनट आपां दाल नूं इस तरह ही पक्कन देना है ते गैस आपां बहुता तेज़ नहीं करना, थोड़ा मीडियम ही रखना है। ते दूजी साइड असीं इहदे तड़के की तैयारी कर लैंदे हां। तड़के वास्ते समान मैं कट के तैयार कर लिया है, बस लसन ही रह गया सी, मैं कहिंदा वी कट लवां फिर आपां तड़का लगाउंदे हां। दाल साडी बन गई है, बस हुण उहनूं तड़का ही लगाउणा है आपां। कढ़ाई गर्म हो गई, हुण असीं इस थोड़ा जिहा सरों का तेल पावांगे। तेल गर्म हो गया, हुण असीं इहदे विच सब तों पहलां लसन पावांगे, 1/2 चमचा जीरा ते थोड़ा जिहा धनिया, इवें हाथ नाल मसल के पाउणा है। इहनूं 2-4 मिनट आपां भुन्नांगे। जीरा ते धनिया साडा भुज गया, हुण आपां इहदे विच प्याज पावांगे। इधर साडी मठे मठे सेक ते दाल भी रिज रही है, देखो किवें मलाई वांगर हो गई है दाल। प्याजां दा कलर थोड़ा चेंज हो गया है, इहनूं आपां ज़्यादा भुनना नहीं है। हुण इहदे विच अदरक पा देंगे। एक 2 मिनट अदरक नूं भुनांगे। अदरक भुज गया है ते नाल ही टमाटर पा देंगे। घट पाया सी ते हुण मैं थोड़ा तड़के विच पावांगी, क्योंकि इहदे नाल टमाटर प्याज चंगी तरह भुज जाता है। मसाले बिल्कुल ही भुज के तैयार ने। हुण इहदे विच आपां हरा लसन पा देंगे। इहनूं आपां 1-2 मिनट ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना।
तड़का भुज गया है, हुण इहदे च थोड़ा जिहा पानी पा दांगे। दो चार मिनट पानी नूं उबालांगे, फिर असीं इहदे विच दाल पा दांगे। तड़के की खुशबू बहुत ही वधिया आ रही है, ये जो हरा लसन है ना इहदी खुशबू इन्नी वधिया आ रही है तुहानूं दस ही नहीं सकदी। इहदे विच आपां दाल पावांगे, देखो किन्नी सोहनी लग रही है दाल। इहनू तुसीं अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा पतला भी कर सकते हो जिवें दी तुहानूं पसंद है, पर मैं इहनू इस तरह का ही रखांगी। जदों भी तुसीं दाल विच पानी पाना है हमेशा गर्म करके ही पाना है, ठंडा पानी नहीं पाना। हुण अहीं इहनू तीन चार मिनट पका लवांगे। जिहड़ा असीं इहदे विच लसण पाया है ना, जदों असीं इहनू खाणा है उहदा टेस्ट अलग ही आना है। हुण इहदे विच आपां पा दांगे धनिया, धनिया नाल इहदा स्वाद होर भी ज़्यादा वधिया हो जाणा है। इह साडी अज दी रैसपी, दाल साडी बण के बिल्कुल तैयार है। तो इहनू आपां इक बाउल च कढ़ांगे। इहनू तुसीं गर्म गर्म फुलकियां नाल, परौंठियां नाल, तंदूरी रोटी नाल खा सकते हो। यह खाने च बहुत ही टेस्टी है। ये सी साडी अज दी रैसपी, तो मैनू कमेंट जरूर करना कि तुहानू मेरी अज दी रैसपी किवें लगी। तो इस दाल नू तुसीं एक बारी मेरे तरीके नाल अपने घर विच जरूर बनायो ते ट्राई करियो, ते कमेंट करके दस्यो कि ये किवें दी बनी है। तो तुसीं भी मैनू अपना तरीका दस्यो कि तुसीं किस तरह इहनू अपने घर च बनांदे हो। तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना, तो बैल आइकन नू जरूर दबाना ता कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू पहला मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो विच कोई नवी रैसिपी दे नाल, तद तक लई सत श्री अकाल जी।